I remember a time my teacher, when I was in 8th grade, she taught me Pakistan studies and she was very harsh. उस क्लास में फिर ये होता था कि मैं एक न्यू कमर थी तो मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करती थी एंड शी यूज़ टू डिक्टेट अस आंसर्स. उनको ऐसा लगता था कि हम 8th ग्रेड में हैं लेकिन हम खुद से नहीं लिख सकते, तो देयर वॉज नो क्रिएटिविटी इन हर क्लास. और मुझे वो टाइम जो है काफ़ी, आई रियली हेट दैट टाइम. Research plays a key role in improving science education. As an example, teachers may be surprised to learn that despite their best efforts, students sometimes don't understand basic science concepts. हालांकि हमारी क्लास के बेहतरीन स्टूडेंट्स भी सही जवाब देते हैं, मगर अगर उनसे करीबी सवालात किए जाएं, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो सिर्फ मेमोराइज़ किए हुए वर्ड्स बता रहे हैं और उनका कॉन्सेप्ट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. मैं अपनी टीचिंग का एक एग्जांपल देती हूँ. जब मैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ा रही थी, जो कि यूजुअली ग्रेड वन का टॉपिक है साइंस का, इसमें रिसर्च हमें ये बताती है कि बेहतरीन तरीका इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने का ये है दैट वी टॉक अबाउट अनलाइक ग्रुप्स के बीच में सिमिलैरिटीज़, जैसे कि एक नीम ट्री और डॉग दोनों लिविंग थिंग्स हैं, मगर इन दोनों के बीच में वो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं जो कि इन्हें एक लिविंग थिंग की कैटेगरी में डालती हैं. सो क्योंकि क्लासिफिकेशन ट्रिकी और कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसलिए ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स देने चाहिए. मैंने अपनी टीचिंग में एक वाइड रेंज ऑफ एग्जांपल्स देती हूँ स्टूडेंट्स को, जैसे कि एक स्टफ्ड डॉग और एक रियल डॉग, पॉटेड प्लांट और फ्लावर बुके. ये सारे एग्जांपल्स जो हैं स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं टू डेवलप अ क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पे वो आगे जाकर जितने भी कोई भी एग्जांपल उनके पास आए वो उन्हें आसानी से कैटेगरीज में डाल सकें.